Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, assalamu alaikum and jule. Welcome back to our class. हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर फाइव, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स. तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बारे में, ठीक. राइट एंगल्स किसको कहते हैं, जिसका मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री का होता है. जब किसी एंगल का मेजरमेंट जो 90 डिग्री होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक राइट एंगल कहते हैं. और स्ट्रेट एंगल जो है वो दो राइट एंगल्स के बराबर होते हैं, यानी वो कितने डिग्री का होते हैं, 180 डिग्री का, ठीक. एक हमारे पास आ गए राइट एंगल, ठीक, जो कि कितने डिग्री का रहता है, 90 डिग्री का, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारे पास आ गया एंगल ए ओ बी. इसी तरह से हमारे पास एक और एंगल होते हैं, जैसे कि ये वाला एंगल, एंगल पी क्यू आर, जो कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का. तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल. अब हमारे पास उन एंगल्स को हम क्या कहेंगे जो 90 डिग्री से कम हो. फॉर एग्जाम्पल ये वाला एंगल, एंगल एक्स वाई जेड, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री से तो कम है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे. तो इस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किस एंगल को कहते हैं, एक्यूट एंगल हर उस एंगल को हम एक्यूट कहेंगे जिसके मेजरमेंट जो है वो 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से अबव हो. यानी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक हम उसको कहते हैं एक्यूट एंगल. एग्जैक्ट 90 नहीं होना चाहिए, 90 से कम, 0 डिग्री से ज्यादा, उसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल. इसी तरह से अगर वो एंगल जो है वो 90 से अबव हो और 180 से कम हो, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, उसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है. तो आज हमने दो और एंगल के बारे में हमें पता चल गया, एक हमारे पास एक्यूट एंगल है और दूसरा हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है. एक्यूट एंगल हम किस एंगल को कहेंगे जो 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, उस एंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल. इसी तरह से स्ट्रेट ऑब्ट्यूज एंगल हम किसको कहेंगे जो 90 डिग्री से ज्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, यानी राइट एंगल से ज्यादा और स्ट्रेट एंगल से कम, उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल. फॉर एग्जाम्पल ये वाला, जैसे कि ये है एम एन ओ, मान लो ये एक एंगल है, इस एंगल का मेजरमेंट जो है वो 90 से ज्यादा है लेकिन 180 से कम है, तो इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, ठीक. अगर कोई भी एंगल 180 से भी अगर ज्यादा हो, ठीक, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये एक एंगल है टी यू वी, ये जो एंगल बन गया यहां पे टी यू और वी पे, ये एक्यूट एंगल भी नहीं है, राइट एंगल भी नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल भी नहीं है, स्ट्रेट एंगल भी नहीं है, बल्कि स्ट्रेट एंगल से भी ज्यादा है, यानी ये 180 डिग्री से भी ज्यादा है, अबव 180 डिग्री है, अबव 180 डिग्री, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, जो कितना होता है, 180 डिग्री से भी ज्यादा होते हैं, ठीक है. तो हमारे पास कुल कितने टाइप्स के एंगल हो गए, पांच टाइप्स के एंगल हो गए. एक हमारे पास होता है राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है,
दूसरा हमारे पास होता है स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री का होता है, तीसरा हमारे पास होते हैं एक्यूट एंगल जो कि 0 से ज्यादा लेकिन 90 से कम होते हैं, चौथा हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल जो कि 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, और पांचवा हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 डिग्री से ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को पता चल गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं। चलिए अब मैं आप लोगों को एंगल्स को कैसे मेजर करना है और एक खास मेजर के एंगल को हम कैसे ड्रॉ करेंगे उसके बारे में बताते हैं। चलिए सबसे पहले मेरे पास ये कुछ एंगल्स हैं, अब हम इन एंगल्स को मेजर करेंगे, हम देखेंगे कि हर एक एंगल कितने डिग्री का है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों के जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये वाला जिसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। ये प्रोटेक्टर जो है वो एक सेमी सर्कल के शेप में है, और आप लोगों को पता है कि एक सर्कल 360 डिग्री बनते हैं, तो एक सेमी सर्कल में कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री का। तो इस पूरे सेमी सर्कल को 180 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड किया हुआ है। आप यहां पे देख सकते हो 0 से लेकर 10-10 के गैप्स में 180 तक आपके पास मार्क किया हुआ है। इसी तरह से अगर दूसरे साइड से 0 से लेकर 180 तक मार्क किया हुआ है, तो ये हर एक जो गैप है, जो छोटा सा पोर्शन है, हर एक पोर्शन जो है वो एक डिग्री का है। ठीक है, तो चलिए हम प्रोटेक्टर की मदद से इन एंगल्स के मेजरमेंट लेते हैं। जब कभी भी आपको कोई भी गिवन एंगल का मेजरमेंट लेना है तो आपको क्या करना है, ये जो प्रोटेक्टर के दो लाइन्स है इसमें और जहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट है, ये हमेशा हमारे एंगल के वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो वर्टेक्स है वो है क्यू, और हमारा जो प्रोटेक्टर है उसके जो सेंटर है हमें उसको हमारे वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड करना है। ठीक, पहला स्टेप। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, कोई भी साइड में या इस तरफ की जो जीरो है या इस तरफ की जो जीरो है उसमें से किसी भी एक साइड पे हमारे जो एंगल के दो आर्म्स हैं उसमें से एक आर्म को उसके सीट में रखना है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैंने इसको जीरो पे रखा, ठीक, और मैंने इस साइड वाले आर्म को जीरो के सीट में रख दिया। ठीक, अब क्या करना है, जो वर्टेक्स है वो हमारे सेंटर पे है और जो एक आर्म है वो जीरो के साथ कोइंसाइड है। इसमें आपको दो चीज देखेंगे, यहां पे एक जीरो है और दूसरी तरफ 180 भी है, लेकिन आपको क्योंकि इस वक्त आप इसको जीरो लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको जीरो को काउंट करना है और इसके साथ साथ काउंट करते जाना है जहां पे हमारा दूसरा आर्म होगा वहां तक। तो ये हो गया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और जो हमारा दूसरा आर्म है वो आ रहा है किसके सीध में, 90 के सीध में। तो ये वाला जो हमारा एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 90 ऊपर ये डिग्री। ठीक, अब इसी तरह से हम ये वाला एंगल नापते हैं, फिर से क्या करना है, जो हमारा वर्टेक्स है टी उसको रखना है हमारे प्रोटेक्टर के सेंटर पे और इनमें से किसी भी एक आर्क को जीरो के सीध में रखने हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल ये हो गया, हमें इस तरह से रखा हमने, ये जीरो पे आ गए, सॉरी सेंटर पे आ गए, और ये वाला आर्म जो है वो जीरो के सीध में है। अब चूंकि हमने यहां से जीरो लिए हैं तो हमें यहां से गिनते जाना है 10, 20, 30, 40, 50, 60। अब यहां पे आप देख सकते हो ये 60 से एक ऊपर है, ठीक, तो ये हो गया 61 डिग्री। तो ये एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, 61 डिग्री का। ठीक,
अब इसी तरह से ये वाला जो एंगल है इसमें भी सबसे पहले क्या करना है, वर्टेक्स को सेंटर में रखो। अब कोई भी जो दो आर्म है वो हमारे जीरो के सीड में नहीं है, तो हम इसको घुमा के क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जीरो के सीड में लाएंगे। ठीक, आप देख सकते हो इस वक्त ये जीरो के बराबर में आ गया है। ठीक, अब इस बार चूंकि जो हमारा जीरो है वो इस साइड से शुरू है, ठीक, तो हम यहां से काउंट करेंगे जीरो, ये ऊपर साइड वाला काउंट करेंगे क्योंकि इस बार ये वाला जीरो है, 180 नहीं है, ये जीरो है। ठीक, तो ये कहां पे जा रहा है, 120 पे आ रहा है। तो ये वाला जो एंगल है वो हमारे कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का। ठीक, इसी तरह से जो लास्ट वाला 90 डिग्री, इस तरह से आप डिफरेंट एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा हमें अगर कोई मेजरमेंट दिया होगा उसके बराबर का हम एंगल्स कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो चलिए फॉर एग्जांपल हमें कह रहा है एक एंगल ड्रॉ करने के लिए 30 डिग्री का हम ड्रॉ करते हैं। ठीक, और हम एक और एंगल ड्रॉ करेंगे 54 डिग्री का। चलो हम ये दो एंगल्स ड्रॉ करते हैं। जब कभी भी आपको कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए कहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एक आर्म ड्रॉ करेंगे, वो आप रेंडमली किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका एक आर्म। ठीक, ये एक आर्म हो गया और ये इसका वर्टेक्स हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम अपने जो प्रोटेक्टर है उसके सेंटर में हमारे वर्टेक्स को रखेंगे, क्योंकि ये हमारा वर्टेक्स है तो हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और जो हमारा आर्म है उसको हम जीरो पे रखेंगे। ठीक है, अब हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री का एंगल। क्योंकि हमारा आर्म जो है वो इस तरफ जीरो पे है तो हम ये वाले काउंट करते जाएंगे कहाँ तक, 30 तक। तो ये 0, 10, 20, ये आ गया कितना, 30। तो इसके बराबर में हम यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अब इस पॉइंट को हमारे जो वर्टेक्स है उसके साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास कितने डिग्री का एंगल, 30 डिग्री का। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको 54 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले रेंडमली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे एंगल का एक आर्म होगा। ठीक, और उसमें सेंटर पे रखेंगे एक पॉइंट को, उस जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है या जो रे हमने ड्रॉ किया है उसके एक स्टार्टिंग पॉइंट को हम रखेंगे सेंटर पे। ठीक, अब ये वाला जीरो है, अब यहां से हमें गिनते जाना है कहां तक, 54 डिग्री तक। तो ये आ गया 10, 20, 30, 40, यहां तक 50 है। ठीक है, अब 50 के बाद हमें ये छोटे जो पार्ट्स है उसको गिनने हैं, 51, 52, 53, 54 आ रहा है यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक डॉट बनाए, फिर हम इन दोनों को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। ठीक, तो ये आ गया हमारा 54 डिग्री के एंगल। ठीक है, इसी तरह से अगर कभी आपको कोई एंगल का नाम दिया गया हो, फॉर एग्जांपल एक एंगल है एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 120 डिग्री और हमें ये ड्रॉ करने हैं, तो हम कैसे करेंगे इसको। अब चूंकि इसमें हमारे एंगल का आर्म्स भी दिया हुआ है, ठीक है, तो हमेशा हमें ये पता है कि जो सेंटर वाला है क्यों, वो हमारा क्या होता है, वर्टेक्स होते हैं। तो एक आर्म हो गया क्यू आर, दूसरा आर्म हो गया हमारा क्यू पी। ठीक, तो हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले एक रफ आप यहाँ पे बना सकते हो, क्योंकि 120 है वो 90 से तो एबव ही होगा, तो हम इससे रफली बनाएंगे पी क्यू आर। ठीक, हमें इस तरह से एक एंगल ड्रॉ करना है जिसमें हमारा एक आर्म होगा क्यू आर, दूसरा आर्म होगा क्यू पी और हमारा वर्टेक्स जो है क्यू होगा। ठीक है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले रेंडमली एक आर्म को ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये इस आर्म का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये इसका एंड हो गया। ठीक है, ये एक रे बना लिया, अब ये रे हम रखेंगे फॉर एग्जांपल क्यू और आर, क्योंकि हमारा वर्टेक्स दिया हुआ है क्यू। अब क्यू पे हमें कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 120 डिग्री का। तो कैसे बनाएंगे, जो क्यू पॉइंट है उसको हमारे
प्रोटेक्टर के सेंटर के साथ रखेंगे, और जो रे है उसको जीरो के साथ। अब इस तरफ, इस वक्त जीरो इस तरफ है, तो हमें ये नीचे वाला गिनना होगा। कहाँ तक जाएंगे? 120 तक। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 and 120। तो 120 के सीट में हमें यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करने हैं। ठीक, तो ये आ गया हमारा पॉइंट पी। पॉइंट पी को फिर पॉइंट क्यू के साथ ज्वाइन करो, तो ये आ गया हमारे पास एंगल पी क्यू आर कितने डिग्री का? 120 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी एंगल्स को आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक, चलिए मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, ये चार एंगल्स आप लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक, उम्मीद करते हैं हमारे आज का जो क्लास है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम हमारे अगले क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, टेक केयर।